कितने छोटे छोटे हैं यार वो मटकनी भाभी के, जैसे ढाई ढाई शेर के मटका हो। 19 दिन से ये क्रीम लगाए जा रहे, आज फिर से लगा लेते पर कुछ असर नहीं हो रहा है। मुरारी भैया। हाँ लुलिया। हमको 50 रुपए दीजिए ना, पढ़ने जाना है। हाँ तो जाके भाभी से ले लो ना जाके। ठीक है। भाभी भाभी लिया। भाभी हाँ? आपके मटके कितने बड़े बड़े हैं ना, हमको देख के ना लालच आ रहा है, एक बार छू ले क्या? तुम छूना चाहती हो हमारे मटके को? हाँ भाभी, आपका मटका ना बहुत ही बड़ा है, हमारा ना बहुत छोटा है, छूने में मजा ही नहीं आता भाभी। तुम हमारे मटके को लेकिन छूना काहे चाहती हो? इतना बड़ा है ना, इतना सुंदर है ना भाभी, का बताए आपको, वो मुनिया का भी बड़ा है थोड़ा सा, मगर आपका बहुत ही अच्छा है। यही से हमारे मटके को अगर तुम छुओगी और तुम्हारी नीयत अगर खराब हो गई तो? अरे भाभी, हमारी नीयत कभी खराब हो सकती है क्या? आप तो हमारी प्यारी भाभी है ना। ठीक है, आओ छू लो हमारे मटके को। पक्का? हाँ झूले झूलो, अभी आते हैं। लुलिया लुलिया, का हुआ, का चाहिए तुमको? अरे भाभी, वो हमको 50 रुपए चाहिए था, स्कूल जाना है, भैया ने बोला है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ और दराज के ऊपर जो बैग है ना उसमें से निकाल कर ले लो। जी भाभी। ये लुलिया भी ना कोई बहाने ढूंढती है मैं ताड़ने का। आप सबको लग रहा होगा कि मटकनी खुश काहे है। देखिए, हमारे मामा और मामी मिलके जैसे तैसे हमारी शादी करा दी है, लेकिन हमारे ये 250 का मटका हमारे जीवन से पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। यार सुना है, जब से मुरारी का ब्याह हुआ है साला मिलने नहीं आया एक भी बार। अरे हम तो खुद परेशान हैं, एक बार भी नजर नहीं आया है। यू साला अपनी लुगाई के पल्लू में छुपा हुआ है। हाँ। अभी दिखने दो। ए मुरारी रुको ना भाई। अरे मुरारी भैया, अरे जब से शादी है नजर ही नहीं आ रहे हो, लापता ही हो गए हो। अरे बस थोड़ा सा काम धाम में लगे रहते हैं। हाँ 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 बहन चोद, काम में तो लगे रहोगे, सुना है भाभी बड़ी हरी भरी है। अरे नया नया ब्याह किए हो तो घर में ही दुबक के बैठे रहोगे। तो कब मिलवा रहे हो हम लोगों को भाभी से? अरे भाई एक काम करते हैं, कल मिलवाते हैं, कल मिलवाते। ठीक है, और अभी हमें जाने तो है। चलो ठीक है, निकलो तुम। ठीक है निकलो तुम। भाई किस्मत का धनी है ये मुरारी भी, हमसे 7 साल बाद ब्याह किया है लेकिन 6 एकदम चोखा पाया है। हाँ हाँ बहन चोद, हमारी किस्मत में तो छिले हुए झाट के बाद थे। अरे रुको मुनिया, कहाँ जा रही हो?
अरे आना। बैठो यहाँ पे। तुम हमको यहाँ क्यों लाई बताओ? हमको ना एक बात पूछना है। अच्छा पूछो। पूना ये बताओ, तुम्हारी मटकनी भाभी का मटका इतना बड़ा बड़ा कैसे है? अरे तुमको कैसे पता चला? अरे वो हम सुने हैं ना, पूरे गांव में तुम्हारी मटकनी भाभी के मटके के बारे में बहुत बोलते हैं। हाँ एकदम सही सुने हो, जैसे कि ढाई ढाई शेर का मटका। लगता है तुम्हारी भाभी शादी के पहले ठकाठक ठुकवाई है, तभे तो ढाई ढाई शेर का मटका पाई है। सही सुने हो एकदम। लुलिया का बात बताओ, तुम्हारा इतना छोटा छोटा कैसे है? बक, हमको क्या पता। अच्छा एक बात बता, वैसे ये बड़ा कैसे होगा? ये तो हमको मटकनी भाभी से पूछना पड़ेगा कि वो अपना इतना बड़ा बड़ा कैसे की है। हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। एक काम करो, तुम कल घर आ जाना। हाँ हम भाभी से पूछेंगे। ठीक है अब चले। चलो चलो। भैया क्या हुआ लुलिया? अरे हम बोल रहे हैं, आप भाभी को भी बोलिए ना पानी लेने जाने के लिए, हम अकेले कितना लाएंगे भैया। अरे अभी वो नहीं नहीं आई है, तुम दो चार दिन चली जाओगी तो कहाँ हो जाएगा। हम थक जाते हैं भैया, आप भाभी को बोलिए हम नहीं लाएंगे। अरे वो नहीं नहीं आई है, मुँह ढक के जाएगी, लोग कहाँ कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे भैया, मुँह ढक के ही जाएगी, बस उसमें क्या। चलो ठीक है मैं बोलता हूँ। अरे और मुरारी भैया कैसे हो? अरे तुम दोनों ठीक है आओ बैठो। और कैसे आना हुआ? बस भैया सोचा चलो भाभी जी के दर्शन करते आए। हाँ हाँ कम से कम भाभी के हाथ की चाय पियेंगे। अरे लुलिया। जी भैया। अरे भाभी को बोलो ना 3 कप चाय बना ले। ठीक है। और बताओ। अरे भैया नए नए ब्याहे हो, दिन दोपहरिया देख के लगा दिया करो। सही बोल रहे हैं जग्गा भैया, जब भी मन करे तो डाल दिया करो। अरे भाभी हम तो चाय कम आपको पीने, मेरा मतलब आपको देखने आए थे, और आप यहाँ की घूंघट ओढ़ कर खड़ी हैं। अरे हटा दो ना घूंघट, अपनों से क्या शर्माना। जग्गा और किलबिल जिस तरह हमारे हरे भरे मटके को देख रहे थे, ऐसा लगा वह पुराने दिन लौट आए। और भाभी हमारे भाई का भी ध्यान रखा करिए। तो कैसी लगी हमारी महरारू? भाई सच बात बताएं, अध जवानी में भी क्या गजब का माल पाए हो यार। एक को बात बोले भैया। बोलो बोलो। मटकनी भाभी के तो आम 2-2 किलो के हैं। अरे मुनिया तो, अरे मुनिया कैसी हो? हम अच्छे हैं भाभी, आप कैसी हैं? बस बढ़िया बढ़िया। अरे लुलिया तुम्हारी सहेली आई है, और बताओ कैसे आई? बस खाली लुलिया से कुछ काम था इसलिए आई। तुम तब तक लुलिया से बातें करो, मैं बिटना के घर से सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे तुम आज इतनी जल्दी आ गई? अरे कहाँ करे, बहुत जल्दी बड़ा करने का। अच्छा सुनो ना, हम तुमको एक चीज दिखाते हैं, आओ जल्दी। तो मैं ही रुकूं। ठीक है। अरे ये कहाँ रह गई? एक क्रीम है मटका बड़ा करने का। हाँ तुमको पता है ये ना
मटकनी भाभी जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रही है, चलना लगा, चल चलते हैं। अरे जल्दी आओ। हाँ। अरे दरवाजा काहे लगा रही हो, जल्दी से अपनी कमीज उतार। अरे पागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हो? अरे हम जो बोल रहे हैं वो करो ना, जल्दी से उतारो। हाँ ठीक है। जल्दी उतारो। हाँ उतार रहे ना। अब बोलो कहाँ है? ये कहाँ है? ये वो क्रीम है। तुमको पता है हम जब से मटकनी भाभी का मटका देखे हैं तब से ही ये क्रीम लगा रहे हैं। कहाँ बात कर रही हो? पर कोनो फायदा ही नहीं हो रहा है। इसे लगाते कैसे हैं? आओ हम तुमको लगा कर बताते हैं। अरे ये तो बिटना है। अरे एक काम कर, जल्दी से उसको अंदर लेकर आ। पागल है क्या? जब वो दबाएगा ना तेरा तब पता चलेगा कि मजा कैसे आएगा। जाना जल्दी लेके आ। पहन लेती हूँ। लेकिन एक बात बता। हाँ? अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, तू जल्दी से अंदर लेकर आ उसे। अरे कावला लड़का है, कहाँ पता चलेगा कुछ भी। हाँ हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम। बोलो बितना। ये लो भाभी ने सब्जी भेजा है। और भाभी? भाभी हमारी अम्मा से बतला रही है, थोड़ी देर में आएगी। आओ हमरे साथ। अरे कहाँ लेके जा रही हो? आओ ना। अरे हमें कहाँ लेके जा रही हो? अरे आओ तो तुम सही। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अंदर आओ ना। दरवाजा काहे बंद कर रहे हो, हमें घर जाना है। अरे आओ तो इधर। ये क्या चल रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है, अब हम बताते हैं क्या चल रहा है। ये क्या कर रहे हो? बताते हैं, थोड़ा सबर करो। अच्छा बहिनचोद, हमारे ही घर में और सब्जी भी हमारे घर लाए हो और हमारे बेड पर सोके तो मुनिया को पेलोगे? हाँ निकलो यहाँ से। अरे निकलो, रहने देना। अरे कम से कम हमारे साथ तो कर लेना। छोड़ना। अब हम लोग कैसे करेंगे? हम खुद ही कर लेंगे। दूसरा लड़का कहाँ से लाएंगे? ए लुलिया एक बार मुनिया के साथ करने देना, उसके बाद तुझे भी कर देंगे। भग भोसड़ी के, हमको तुमसे नहीं पिलवाना है। अब तुम उन्हीं को जाके पेलना जिनके बड़े बड़े मटके हो, और अब तुम यहाँ से भागो नहीं तो हम तुमको पेल देंगे। जा रहे हैं, जा रहे हैं। लुलिया अब हम लड़के कहाँ से लेके आएंगे? सुनो मुनिया, इस गांव में ना इस जैसे चूतियों की कमी नहीं है। ये बात तो सही और है, तेरे लिए तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। लेकिन इस तड़पते हुए बदन को कैसे ठंडा करेंगे? तो हम बुझा देते हैं तुम्हारी आग। अरे लुलिया, ओ लुलिया। भाभी, भाभी आ गई, जल्दी कपड़े पहनो, जल्दी जल्दी। अरे ओ लुलिया क्या कर रही हो, जल्दी बाहर आओ। ये इतनी जल्दी काहे आ गई भाभी? पता नहीं पता नहीं, तू जाकर देखना कहीं बिटना ने कुछ बोल तो नहीं दिया। तू ठीक बोल रही है, देख बोला था ना मैंने। हाँ। अगर किसी को पता चल गया लुलिया, ना। आई भाभी। तो फिर भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, तू देखना एक बार। वो बिटना सब्जी देकर गया कि नहीं? हाँ भाभी दिया है, वहां रख दिए हमने। अच्छा तुम एक काम करो ना, पानी भर के ले आओ जल्दी, पानी खत्म हो गया है। अरे भाभी आप ही चले जाइए ना। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं भाभी, बस थोड़ा सा सर दर्द है। हम घर का काम कर देते हैं, अब जाइए। लुलिया हाँ? हम चलते हैं, हम तुमसे कल स्कूल में मिलेंगे। हाँ
भाभी हम चल रहे हैं। ठीक है। भाभी हम भी जा रहे हैं अपने कमरे में। ठीक है। हमारे मटके का कहर कुछ इस तरह फैला कि कब हमारे परिवार तक पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। Download the Rabbit app and subscribe now.